नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के पास लगते इंद्री कोर्ट से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जश के हत्यारों का सभी को इंतजार था कि किसका नाम सामने आता है। CIA 2 इंचार्ज मोहनलाल है और CIA की टीम के साथ आप देख सकते हैं जस की चाची है, या आप देख सकते हैं ये जस की चाची है, आप सभी लोगों से यही अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कोर्ट में पेश कर दिया गया है और अब उन्हें यहां से ले जाती हुई CIA 2 की टीमें, इधर आप देख सकते हैं इंचार्ज है मोहनलाल, इनको कल हमने गिरफ्तार कर लिया था इस मुकदमे में जी, और आज इनको कोर्ट में हमने पेश किया है। 3 दिन का रिमांड कोर्ट से हमने लिया है और इसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं, अभी जारी है, और जैसा जो भी तफ्तीश में आएगा उसके बाद आप ये रिश्ते में इसकी, हाँ इसके परिवार में से चाची लगती है, अंजलि नाम है। रिमांड पे लिया गया सर, इसको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। अभी अभी इनको 3 दिन के रिमांड पे लिया है। 3 दिन में रिमांड के दौरान जो जो भी तथ्य आएगा, जो ये बताएगी, जो रिकवरी कराएगी, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज कर रहा था। उन्होंने सिर्फ बॉडी को घेरा है, फिलहाल अभी तक यही आया है और उसके बाद इसलिए हमने रिमांड लिया है 3 दिन का। वकील कौन पेश हुआ है इसकी तरफ? वकील नहीं पता, वो कोर्ट से आप पता। तो सर आगे रिमांड पे हम निकल सकता है? हाँ बिल्कुल, जो रिमांड है, जो भी आएगा। 3 दिन का रिमांड लिया, 3 दिन का हमने मांगा है। हमारा क्या सर, क्या कुछ कबूल है सर? वो सारी चीजें रिमांड के दौरान क्या क्या किस तरीके से, इसीलिए हमने रिमांड मांगा है, क्या क्या किसके जरिए किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे। वो अभी इसने बताया है लेकिन अभी इसकी जांच कराएंगे। मेडिकल तो हो गया सर, मेडिकल होगा इनका। और आप देख सकते हैं कि CIA 2 इंचार्ज मोहनलाल हैं जो आपको जाते हुए यहां से दिखाई दे रहे होंगे। कोर्ट में पेश करने के लिए CIA 2 की टीमें इंद्री कोर्ट में लेकर आई थी, और जस की चाची जिसका नाम अंजलि है उनको यहाँ से लेकर जाती हुई CIA 2 की टीमें। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं जस की चाची को मुख्य आरोपी अंजलि जो जस की चाची है। सबसे बड़ी हैरानी की बात आप ये देखिए कि कल गिरफ्तारी हो चुकी थी, कल गिरफ्तारी हुई, आज कोर्ट में पेश किया गया। ये कोर्ट की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 दिन के रिमांड पर अभी अंजलि को ले लिया गया है और अब ज्यादा जांच की जाएगी। लेकिन मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बड़ी ही हैरानी की बात है कि जब जस के हत्याकांड का मामला सामने आता है, सबसे पहले परिवार वाले आरोप लगाते हैं जस के चचेरे ताया राजेश की पत्नी, राजेश की माँ पर। 3 लोगों को पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, बल्कि 4 लोगों को अपनी हिरासत में लेती है, राजेश के एक बेटे को भी हिरासत में पुलिस ले लेती है। गहनता से इस मामले की पूछताछ की जा रही थी, जांच चल रही थी, लेकिन अचानक से आज सुबह नाम आता है जस की चाची अंजलि का, जिसकी जानकारी यह है कि 2.5 महीने की वो गर्भवती भी है, 2.5 महीने की वो गर्भवती भी है। हालांकि इंस्पेक्टर मोहनलाल ने यही बात बोली कि मेडिकल होगा और मेडिकल में ही ये सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। अभी इस बारे में उन्होंने खासा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये इंद्री कोर्ट से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं इंद्री कोर्ट की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ समय पहले अंजलि को यहाँ पर पेश किया गया और काफी ज्यादा समय अंदर लगा है। हालांकि इतना ज्यादा समय नहीं लगता है अमूमन मामलों में, लेकिन आज काफी ज्यादा समय लगा इस पूरे मामले में। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि अचानक से जश हत्याकांड में एक अलग मोड़ आ जाता है। अलग मोड़ कैसे आया? पहले परिवार वालों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए राजेश के पूरे परिवार पर। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले पूरे गांव में एक महापंचायत होती है जिसमें सरपंच होते हैं, गांव के तमाम लोग होते हैं, राजेश के पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया जाता है, राजेश के तमाम रिश्तेदारों का गांव में आना जाना मना कर दिया जाता है, परिवार को आउट कर दिया जाता है, गांव से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। लेकिन आज एक नया मोड़ सामने आया। आज अचानक से एक जानकारी ये निकल कर सामने आई कि जस की चाची अंजलि को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है, 3 दिन का रिमांड ले लिया गया है। लेकिन आज आपने एक बात और देखी जिला सचिवालय में कि परिवार वाले जो जस के चाचा है अमन, वो पुलिस की
पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, सीबीआई की वो जांच चाहते हैं, जो एक बड़ा अपडेट जरूर है, क्योंकि परिवार वाले इस कार्रवाई से नाखुश है, पुलिस से असंतुष्ट है। पुलिस एक ऑफिशियल बाइट कब आती है पुलिस की, एसपी गंगाराम पुनिया इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रात से पर्दा उठना बाकी है, अभी भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, अभी भी और भी बहुत सारे लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि आप अपने आप में सोचिए, एक गर्भवती महिला एक बच्चे की हत्या के लिए कैसे कर सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एमएन 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।